मत यार दोस्तों, और आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और मैं तो दिन रात यही दुआ करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया रहे, खुश रहे और प्रभु का गुणगान करते रहे। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आज मैं जो मुझे रास्ते में नर्मद मैया के परिक्रमा से मिले हैं, वो मतलब मुझे बहुत ही खुशी हुई उनसे मिलकर। कुछ बाबा तो ऐसे मिले जो अपने हाथ में अखंड ज्योति लेके चल रहे हैं। उन्हें 3 महीने हो गए ओंकारेश्वर से उन्हें परिक्रमा उठाई, और भैंस से ज्योति उनने मतलब अखंड ज्योति पूरी परिक्रमा भर में उन्होंने वो ज्योति को घुमाया है। तो मैंने ज्योति के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। और एक बाबा ने नई गाड़ी ली, तो मोटरसाइकिल, तो गाड़ी को लेकर परिक्रमा आए, गाड़ी से नहीं। तो देखिए कितनी श्रद्धा भाव है, कोई पैदल, कोई साइकिल से, कोई कैसे मतलब कर रहे हैं नर्मदा मैया परिक्रमा। और उन्होंने बताया कि जीवन में एक बार माँ नर्मदा जी की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। तो आपको ये सब वीडियो कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नर्मदे हर, जय श्री कृष्ण। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तो आज कान्हा जी के लिए है, दूध है और नर्मदा मैया का जल, इसमें तुलसी पत्ती और मिश्री डाल दी मैंने जी, देखी। तो आज कान्हा जी पियेंगे दूध। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। पी लीजिए प्रभु दूध, लीजिए प्रभु जल पी लीजिए अब। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। लीजिए प्रभु अपनी कृपा सदैव बनाए रखना कान्हा जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मैं जा रहा हूँ। हाँ चल जाइए। आज भी खाना ही नहीं सकते। हाँ सही तो इकट्ठी गोली क्यों खाई? ये खाना खा ले, दो तो भाई मैंने कहा पता तू गोली खा ली, मैंने दे दी दर्द की गोली। हद्दा, हद्दा आराम नहीं, वो तो आराम से होगा। आराम जा रहा मैं है। नर्मदे हर दोस्तों, आज मेरी गुड़िया रानी घर नहीं है, नाना जी घर गई है, तो घर ही बेकार लग रहा है। देखिए वीडियो बनाने में आनंद ही नहीं आ रहा मुझे, तो कितनी शरारत करती थी वो, देखी सूना घर बिल्कुल। हर नर्मदे हर, और गौ माता जा रही है घास खाने के लिए जंगल। दृश्य है ये मुझे लग रहा है यहाँ पर। बैंक में जो मैनेजर साहब थे वो भी आए हैं, तो मतलब मैया तुम की ऐसी लगन लगी है कि उन्होंने अपना काम भाई स्थगित कर दिया कुछ समय के लिए। और मैया की हाँ पुलिस वाले एक माता जी आई है जिनको 3 लाख रुपए पेमेंट है, उन्होंने अपना काम वहीं छोड़ के आ गई, नर्मदा मैया परिक्रमा कर रही है जी। तो आप थोड़ा नर्मदा मैया परिक्रमा को महत्व बताइए, अब आपसे जानना मुझे तो ना। आपने सब कुछ जान लिया हमसे, नहीं आपने कुछ नहीं बताया। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। बाबा जी नर्मदे हर। बाबा जी कौन से जिले से आए आप लोग? बाबा जी आप तो मतलब है ना, मुझे आज ऐसे चमत्कार प्रतीत हो रहा है, क्या साथ साथ नर्मदा मैया को साथ में ले चल रहे हैं, है ना? अखंड ज्योति है। वाह बाबा जी, बाबा जी आप कौन से जिले से आए हैं? नासिक से आए? महाराष्ट्र, नासिक। तो बाबा जी आप जो माँ नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहे हैं और ये अखंड ज्योति लेके चल रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि आप मतलब आपका ये उद्देश्य क्या है? मतलब उद्देश्य तो मन में आया ज्योति लेके चलने का जी, थोड़ी सी माँ नर्मदा मैया की महिमा के बारे में बता दीजिए, क्योंकि आपको लाखों लोग देखेंगे यूट्यूब पे मेरे चैनल के माध्यम से। अभी मैया का अनुभव तो बहुत बढ़िया है, आज 3 महीना हो गया, 3 महीने से ऐसा ये कई दिन ऐसा लगा नहीं कि हम रुके बैठ रहे थे जी। हर दिन हमको भोजन मिला, वो भी बना के मिला जी, चाय पानी और जिस मन में ऐसा एक बार ऐसा लगता है कि मत को 5 मिनट तक लोग कदम आगे जाने के बाद कोई ना कोई आवाज़
जाता है तो महाराज जी आओ चाय पी लो। ऐसा जो भी मन में आया आज तक ऐसा हमारे मन की इच्छा पूरी करने में आया, खाने में खाने के मारे अभी ऐसा लगा एक बार जिलेबी खाने का आगे गया तो आओ महाराज जी जिलेबी खा ले। देखिए बाबा जी का कहना है कि मैया जी अक्कम्मा में जो सोचते हैं वो माता रानी पहले ही समझ मतलब उसका मतलब प्रबंध कर देती है। इनका मन हुआ जलेबी खाने का तो जलेबी 5 मिनट मतलब आगे गए और इनको जलेबी मिल गई। तो बाबा जी नर्मदा मैया की तो ऐसी महिमा है और नर्मदा मैया की इस रास्ते जो देख रहे हैं अभी साधारण कोई रास्ता नहीं है, ये मतलब बहुत ही मैं पहले मैं भी नहीं समझता था कि यार इतना महत्व है, लेकिन एक से बढ़ के एक बाबा जी जाते हैं और माँ नर्मदा की तो भगवान की परिक्रमा करते हैं तो भगवान जी भी निकलते हैं रोज दर्शन होते हैं हम लोगों को नित्य। और अभी आप ये खड़े हैं मेरे गांव हतलपुर आने वाला तो रंडाल आएगा, रंडाल के बाद गोआश्रम सातधारा है, तो सातधारा गोआश्रम है बादामी जी महाराज का जहाँ पर परिक्रमावासी लाखों की संख्या में भोजन करते हैं रोज आते हैं वहाँ पर। मैं जब घर से निकलता हूँ ना मुझे इतने सारे मिलते हैं तो दिन भर में कितने निकलते होंगे आप बताइए, तो सारे परिक्रमावासी को बाबा जी भोजन खिलाते हैं और फिर आप आगे बढ़ाते हैं। तो बाबा जी आप भी वहाँ रुके भोजन प्रसाद करें फिर आगे बढ़े। और 2 मार्च से वहाँ पर यज्ञ होने वाला है, तो नौ दिन चलेगा वो, तो आप यज्ञ में भी अगर सम्मिलित हुए तो बहुत अच्छी बात है। बाबा जी बहुत खुश होंगे आप लोगों से मिलकर और ज्योति स्वरूप नर्मदा मैया को प्रणाम बार बार आशीर्वाद दे जाएंगे बाबा जी मिल जाएंगे। यूट्यूब पर मेरे चैनल है प्रेम मीना नाम से बाबा जी है ना नर्मदा। हाँ बाबा जी बोली 9922 जी बाबा जी नर्मदे हार नर्मदे हर नर्मदे हर ते हार। नंबर बोल दीजिए 9992 22 78 78 61 61 82 82 और उनका 9596 07 08 51 जी बाबा जी। तो मैं ये वीडियो आपके पास जरूर सेंड करूंगा जब मेरे ये इसको मैं एडिट करके अपलोड करूंगा तो आपके पास लिंक भेजाऊंगा व्हाट्सएप पे। आपके पास बड़ा मोबाइल है ना जी बाबा जी। नर्मदे यार आपके दर्शन हुए बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। माता रानी आपकी परिक्रमा को बिल्कुल मतलब सफल बनाए। जय ज्योति मैया। आप सब लोग देख रहे हैं बाबा जी ज्योति दो दो ज्योति लेकर साथ चल रहे हैं। बाबा जी ज्योति कब से है? 5 नवंबर से मतलब कितने महीने हो गए? 3 महीने। 3 महीने से बाबा जी ज्योति लेकर नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहे हैं पूरी पैदल पूरी पैदल करी और ओमकारेश्वर पूरी हो जाएगी। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शन से ही जीवन सफल हो गया हमारा तो। नर्मदे हर बाबा जी नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। ये जो आप झोड़ा देख रहे हैं बारिश के दिनों में इसके ऊपर से पानी निकल जाता है, नर्मदा मैया का पानी वापस लौट कर जाता है। तो यहाँ से नर्मदा मैया के परिक्रमावासी जा रहे थे कि कितना सुंदर ये दृश्य लग रहा है। चारों ओर गेहूं की फसल है ये देखिए। और ये भाई मेरे साथ हंडिया का है और मेरे साथ लिफ्ट मांग कर जा रहा है और इसके गांव से भी परिक्रमावासी निकलते हैं ना भाई, तो ध्यान रखा करो है ना बाबा लोगों का, उनको रास्ता बता दिया करो है ना। नर्मदे हर बाबा जी। बाबा जी कौन से जिले से आ रहे हैं आप? फरीदाबाद। ये कहाँ है? हरियाणा। हरियाणा से? बाबा जी यार आप हरियाणा से आए और मतलब हरियाणा में आप रहते हैं और आपको कैसे पता चल गया कि नर्मदा मैया की परिक्रमा हो रही है? यूट्यूब पर देखा, संतन से बातचीत हुई, संत हमारे परिक्रमा करके गए जी। तो खास हरियाणा की आप? हरियाणा का पनवल गाँव है, पनवल डिस्ट्रिक्ट जी शहर है, पनवल प्रॉपर ही रहते हैं। तो बाबा जी आपने कहाँ से उठाई थी परिक्रमा? ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर से तब पूरी होने वाली है, पूरी परिक्रमा पैदल कर रहे हैं। बाबा जी थोड़ी नर्मदा मैया की महिमा के बारे में बताइए, आप इतनी परिक्रमा करी आप लोगों ने। महिमा ही है परमारथ का जी, परमारथ ही सबसे बड़ा है धर्म। बाबा परमारथ तो है लेकिन नर्मदा मैया का मतलब आप कर रहे हैं परिक्रमा, तो आपसे थोड़े जान लूंगा कि
कि नर्मदा मैया परिक्रमा का आप जो कर रहे हैं, मतलब उसमें आपको कोई परेशानी नहीं? कोई नहीं बाबा जी, हमें यहाँ पे कोई परेशानी नहीं मिली है, लोगों का पूरा सहयोग मिला है जी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है। शाम होते ही कहीं ना कहीं मैया व्यवस्था कर देती है जी बाबा, दिन में भी खाने पीने की व्यवस्था पूरी रहती है जी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें कुछ खाने के लिए नहीं मिला जी। तो बाबा जी अभी तो आप जो गांव डोंगरवाड़े से आगे खड़े हैं और इससे भी आगे आप जाएंगे तो मेरा गांव हसलपुर आने वाला है, और उससे आगे चलेंगे तो रणाल, और रणाल से आगे गोआश्रम सातधारा है जहाँ पर बादामगिरी जी महाराज का गोआश्रम है और परकमवासी को भंडारे चलता है। तो आप आधा घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ भोजन प्रसाद करके फिर आगे बढ़े। नर्मदा मैया की सात धार भी है वहाँ पर, इसका बहुत महत्व पुराणों में वर्णन है। तो बाबा जी आपका आशीर्वाद खुश रखे भैया आप, खुश जी बाबा नर्मदे हर बाबा जी। तो आज मुझे बाबा जी के दर्शन हुए, तीन बाबा जी हैं ये लोग, और बहुत अच्छा लग रहा है, इनके आशीर्वाद लेने का भी मौका मिल गया है और इस भाई की वजह से जिसने वीडियो शूट कर दिया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है आज, तो मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग भी जरूर मुझे बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो नर्मदे हर नर्मदे हर। बाबा जी मेरे ट्रक से थोड़ी सी दक्षिण है नर्मदे हर, और आप नर्मदा परिक्रमा मोटरसाइकिल से कर रहे हैं, आप कहाँ से? हरदा जिले। हरदा जिले से आपकी परिक्रमा करते कितने समय हो गए? मेरे को ढाई महीने हो गए। बाबा जी आप गाड़ी से पैदल कर रहे हैं, साइकिल तो करता है लेकिन आप गाड़ी से कर रहे हैं जी? जी मतलब गाड़ी से करने का? हाँ नई बाइक उठ रही थी जी, तो मैया की मैंने की चलो परिक्रमा ही करवा लाते हैं गाड़ी का जी, और मेरी भी परिक्रमा हो जाएगी साथ में। तो गाड़ी से परिक्रमा करने में कोई परेशानी नहीं पड़ती है? नहीं कोई परेशानी नहीं भाई, मतलब कहीं रात अंधेरे रखने की कुछ नहीं? नहीं कोई दिक्कत नहीं, सब व्यवस्था हो जाती है। बाबा जी थोड़ी नर्मदा मैया को बता दीजिए, तो आप परिक्रमा कर रहे हैं आपको अनुभव होगा होगा कि नर्मदा मैया मतलब कैसी महिमा है, आपने परिक्रमा करी अद्भुत चमत्कार देखने को मिलता है, आप थोड़ा बताइए। जैसे कहीं भोजन नहीं मिलता है अपन अंदर आत्मा से बोलिए मैया से, तो आगे से आगे कोई ना कोई लेके आ जाएगा मैया का भोजन। और भी कुछ बता दीजिए। और क्या बताऊँ मैं मैया के बारे में, तो कुछ बता नहीं सकता ज़्यादा कुछ जी, क्योंकि उनके तो अद्भुत चमत्कार होते हैं। रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया जंगल में जी। तो कोई अगल बगल धक्का देने वाला नहीं गाड़ी को, और दो मैया परिक्रमावासी दोनों होशंगाबाद के थे नर्मदापुरम के, तो एक लीटर की बॉटल निकाल के और मेरी गाड़ी में पूरा डाल दिया, मैं पैसे देने लगा तो पैसे भी नहीं लिए उन्होंने। कोई नहीं लेगा बाबा, क्योंकि ये मैया की ऐसी महिमा है, इधर लोग सब सेवा करते हैं बड़े प्रेम से। नहीं हाँ भैया, हाँ जितना भी जिससे जो बने चाहे कुछ, मतलब फूल की जगह पंख नहीं लेकर सेवा करते हैं। जी जी भाई साहब, मेरे वीडियो चलते हैं यूट्यूब पे, प्रेमी नाम से मेरी आईडी है, और सभी लोग देखते हैं और बहुत पसंद करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है बाबा उनसे मिलना, आपको लोग बहुत लोग देखेंगे बाबा जी, और आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे मतलब जो आपको देख रहा है यूट्यूब पे जी। नर्मदे हर माँ की परिमा, मनुष्य का अगर जन्म लिया है तो एक बार मैया की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए, सभी भक्तों से मेरा निवेदन है। नर्मदे हर नर्मदे हर। तो बाबा जी ने बोला अगर मनुष्य जन्म लिया है तो एक बार मैं नर्मदा मैया की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए, तो आप लोग भाई देख लें और ज्यादा से ज्यादा मेरे ये वीडियो को आप शेयर करें ताकि मैया की महिमा दूर दूर तक पहुँचे, और कमेंट में हर नर्मदे जरूर लिखें। मात श्री नर्मदे हर। तो बाबा जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, मैया आपकी परिक्रमा सफल करे, आपके दर्शन हो गए, और मेरे गुरुदेव बादामगिरी जी महाराज का आश्रम है जी, ये खुजनपुरे पे डोंगरवाड़ आएगा, फिर हासलपुर, फिर रंडाल, रंडाल से 1 किलोमीटर आगे गो आश्रम सातधारा, जहाँ पर बादामगिरी जी महाराज जितने परिक्रमावासी निकलते उन सबके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था कर रखी है, रोज सब परिक्रमावासी भंडारा खा के आगे निकलते हैं, और वहाँ पर नर्मदा मैया की सातधारा भी है, तो आप वहाँ दर्शन करें फिर आगे बढ़े। और गुरु जी की यहाँ एक कार्यक्रम हो रहा है, 2 मार्च से यज्ञ होने वाला है, तो आप चाहें तो यज्ञ में भी भाग ले सकते हैं। बिल्कुल नहीं है, ठीक है बाबा जी, मिलके बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइए। और देखिए बाबा जी गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही, कितना सारा सामान रखा है।
नर्मदे हर बाबा जी नर्मदे हर। और ये देखिए खोजनपुर गांव में बाबा जी जा रहे हैं, ये हमारी यहाँ पर नर्मदपुर में मैया की महिमा, नर्मदे हर बाबा जी। और ये खोजनपुर गांव है छोटा सा, आप कभी नर्मदा परिक्रमा आए तो खोजनपुर गांव को मत भूलिएगा। पहले नंबर खोजनपुर ही पड़ेगा, फिर डोंगरवाड़ा, फिर हासलपुर रंडहाल, फिर गोआश्रम सात धारा। कहाँ से आ रहे हैं आप? बांद्रा बांद। तो कौन से जिले के आप? खंडवा जिले से। कितने दिन होगा परिक्रमा करते? तीसरा महीना। तो पैदल ही कर रहे हैं पूरी परिक्रमा? तो बाबा जी थोड़ी नर्मदा मैया की महिमा के बारे में बता दीजिए, आप परिक्रमा कर रहे हैं, तो आप परिक्रमा कर रहे हैं नर्मदा मैया की परिक्रमा करते हो, आपको क्या अनुभव हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा, डबल मैया बुलाए जी, और डबल बुलाए बुला, बहुत प्यारा आनंद आता है जी। कोई ऐसे नहीं कि घर की फिक्र चिंता कोई नहीं जी, घर की चिंता फिक्र भी नहीं रहती। नहीं नहीं कुछ जी, मैया की कृपा ऐसी है जी, सब भजन सारे नर्मदे। तो बाबा जी आप अभी खड़े ये परम श्री गार्डन है जहाँ पर शादी विवाह होते हैं, बहुत मतलब बड़े बड़े लोग यहाँ पर आते हैं शादी विवाह करते हैं दूर दूर से भी, तो आप यहाँ के दर्शन आपके हुए मुझे। अब इसके बाद ये भोजनपुर आएगा, फिर आएगा डोंगरवाड़ा, फिर हासलपुर, फिर रंडाल, रंडाल के बाद तो गोआश्रम सात धारा है जहाँ पर आप जाइएगा, और गोआश्रम सात धारा पर परिक्रमा वासियों को भोजन भंडारा चलता है, तो वहाँ रुकिएगा, भोजन प्रसाद करिएगा, फिर आगे बढ़िएगा, है ना। 9 किलोमीटर है यहाँ से, नहीं आप पहुँच जाएंगे घंटे में। आप कितने चल लेते हैं? हम चल रहे हैं आप 10-11 किलोमीटर इतनी और चल लेंगे। हाँ तो बाबा जी गोआश्रम पे रुकिएगा ना, और कहीं नहीं रुकिएगा, भाई भोजन प्रसाद करिएगा, है ना, गुरुदेव के दर्शन करिएगा, बादाम गिरी जी महाराज के, नर्मदे नर्मदे। तो मैं छोड़ दी यहाँ पर, ठीक है, नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर। कौन से जिले से आए आप? कौन से जिले से आए? कहाँ के जिले से उठाई परिक्रमा? चलिए जी, अमरकंटक से उठाइए जी। बाबा जी आपको हिंदी भाषा नहीं आती है ना? ओ नहीं, इतना है, महाराष्ट्री महाराष्ट्री आती है ना। कितने किलोमीटर है लमारा है? ओमकारेश्वर बाबा जी है ना, मतलब किलोमीटर का मुझे पता नहीं है, लेकिन आप यहाँ से जाएंगे ना 12 किलोमीटर नीचे, फिर गुरुदेव बादाम गिरी जी महाराज का आश्रम है, तो वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, है ना। हाँ तो आज तो नहीं, आज तो आप सिटन घाट पर रुकी, और कल सवेरे आप आगे बढ़ेंगे ना, तो रास्ता में मिलूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा दूर नहीं है, हम करें सर पास में ही अब वहाँ से नहीं। हाँ बहुत कम ही होगा, है ना, क्योंकि अभी मुझे नॉलेज नहीं है, मैं आपको पता करके बताऊंगा कितनी दूर है ओमकारेश्वर, है ना, यहाँ से नहीं, है ना बाबा जी, क्योंकि आप लोग पैदल जाएंगे, पैदल में दूर है वो, पैदल ही जाएंगे ना। हाँ तो पैदल में दूर है बाबा जी, हाँ लेकिन बहुत कम दूर है, 15 दिन में पहुँच जाएंगे आप। हाँ नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। अपने अपने जगह पर अनुसंगत में देखें।
भोजन चालू हो जाता है। कौन बोल रहा है? गुरु जी का कहना है ले जो है। ये अपने अपने नहीं खा रहे हैं। करो